बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नए नए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का 125 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर, इसमें कुछ भी नहीं है पावर, डिवाइडेड बाय 64 की पावर स्क्वायर, इन सब की होल पावर 1/3 है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम 125 का एलसीएम लेंगे। 5 को 25 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25, 5 वन सा 5। अब 5 हमारे पास 3 मरतब आ रहा है, तो 5 की पावर 3, और ये पावर हम मल्टीप्लाई करा देंगे स्क्वायर की, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई में नीचे उतरेगा, फिर 8 का एलसीएम लेंगे। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब 2 हमारे पास 3 मरतब आ रहा है, तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 64 का एलसीएम लेंगे हम इसी तरीके से। 2 32 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। हम देखेंगे 2 हमारे पास कितनी मरतब आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 मरतब हमारे 2 की पावर आ रही है, तो 2 की पावर 6, और ये 2 उसको हम अप्लाई कर देंगे। इन सब की होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। फिर इसके बाद हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3, उसकी मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 2 की पावर 3 एजेट आ जाएगी, और ये 2 6 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12, इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी। अब ये 1/3 सब पर अप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 4 12। 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर है 4। 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर हमारा 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 हमें 4 मरतब मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 हमारे पास इसका आंसर है। 2 1 2 2 8 16, 25/8 हमारे पास इसका आंसर इस सवाल का। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये एमसीक्यूस में आ सकता है इस साल। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर अप्लाई की गई है। तो हम पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे। 4, अब 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड नीचे उतर ही आएगा। इसी तरीके 4 की पावर स्क्वायर है, और स्क्वायर की पावर क्यूब है, तो 2 का क्यूब यानी कि 4 की पावर 8। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 8। अब देखिए हमारे पास डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड के अंदर जब बेस सेम होती है तो पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाती है, तो 4 की पावर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 हमारे पास होता है 4 की पावर 1 इजिकल्स टू 4। ये इसका आंसर है हमारे पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे आज हमारे जो हमने कंप्लीट करे। अगर इन सवालों में आपको कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक भी करें मेरे चैनल को, और खास बिलखसूस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।